अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आपको वो नुस्खा बतलाऊँगा और वो चीज़ें बतलाऊँगा जो चीज़ें ज़मीन पे किसी हकीम ने नहीं बतलाई, आपके रब ने चीज़ें बतलाई हैं कि जिसके अंदर शिफा ही शिफा है और गारंटी भी है। मेरे मोहतरम भाइयों, पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, दुनिया की किसी भी इंसान की किताब लिखी हुई झूठी हो सकती है, उसके अंदर झूठ हो सकता है, शक हो सकता है, साइंसदान झूठे हो सकते हैं, डॉक्टर का तजर्बा गलत हो सकता है। मेरे भाइयों, ये मेरा बदन ये किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। आपका बदन किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। डॉक्टर का दिल किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर का दिमाग किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। सर्जन का दिमाग किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। हर डॉक्टर, हर तबीब, हर हकीम, हर आम इंसान, हर अल्लाह का वली आदमी, हर सहाबी, इसको पैदा करने वाला, इनके अंदर जो दिल और दिमाग और आँखें और जो चीज़ें हैं, इनको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह मेरा खुदा है। मेरे भाई, एक छोटी सी मिसाल है, दुनिया की कोई चीज़ बनाने वाला, बाइक हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, उसके साथ एक पर्ची होती है। मेरे भाई, मोबाइल को 95% बैटरी हो जाए तो उधार लेना, इसको पूरा नहीं करना, इसकी टाइमिंग ठीक रहेगी। भाई, मोबाइल को चार्जर करना है इसकी, जब ये नहीं कि 15%, 20%, 30% बैटरी हो, इसको उतार लें, इसको मुकम्मल होने दें ताकि आपकी बैटरी टाइमिंग ठीक रहे। भाई, आपकी गाड़ी है, इसको इतनी रफ्तार में चलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पेट्रोल से बाहर निकलेगी, नुकसान होगा। मेरे भाई, इस तरह इसकी सफाई, इसका जो ईंधन का तेल है वो इतने किलोमीटर पर आप बदलेंगे तो इंजन ठीक रहेगा, नहीं तो ख़राब होगा, आपको नुकसान होगा। गाड़ी का उसने लिखा। मेरे भाई, जिस खुदा ने आपको पैदा किया, जिसने आपको बनाया, वो इसके बारे में बेहतर जानता है। अब उसने ये चीज़ें बतलाई किसको? मेरे और तुसा के पीर और मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल होती थी। अल्लाह के रसूल की जो हदीस है वो भी कुरान है। मेरे भाई, कुरान है, जिस तरह कुरान है इस तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की हदीस भी इतनी ही अहमियत रखती है। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से बात करते नहीं, जब भी बात करते हैं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। सही अल बुखारी किताब व तिब के अंदर ये दो चीज़ें मौजूद हैं जो आज आपको नुस्खा मर्दाना कमजोरी का बतलाने का। कहाँ पे? सही अल बुखारी किताब व तिब के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये नुस्खा मौजूद है, ये दो चीज़ों का जिक्र मौजूद है। वो दो चीज़ें क्या हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, स्याह दाने, काले दाने, इसके अंदर हर मर्ज का इलाज है सवाए मौत के, कोई भी ऐसी मर्ज नहीं जिसका इलाज इन स्याह दानों के अंदर ना हो। वो स्याह दाने क्या हैं? वो मेरे भाई कलवंजी है, कलवंजी, ये जो अचार के अंदर आप छोटे छोटे दाने होते स्याह रंग के डालते हैं। दूसरी बात, शहद है, शहद। ये दो चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनके अंदर शिफा है। शहद के अंदर हर बीमारी की शिफा है, कलवंजी के अंदर हर बीमारी की शिफा है। अब इनको इस्तेमाल किस तरह करना है वो सुन ले, और फिर आप देखना मर्दाना कमजोरी किस तरह भागती है, आपके जिस्म के अंदर बीमारियां किस तरह भागती हैं और आपका जिस्म को छोड़ेंगी। मर्दाना कमजोरी नहीं, आपके जिस्म की मुकम्मल बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मेरे भाई, इतना कमाल का नुस्खा है। डॉक्टरों के नुस्खों पे अमल करते हो, तबीबों की बात मानते हो, जो तबीबों का तबीब, हकीमों का हकीम, डॉक्टरों का डॉक्टर, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का नुस्खा बतलाया हुआ, इस पर कौन अमल करेगा? ये वीडियो सुनने वाली मेरी माँ हो, मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, मेरा भाई हो, मेरा बुजुर्ग हो,
इसको इस नियत से कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यह नुस्खा बतलाया है, ये चीजें बतलाई हैं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई फायदे दो, बीमारियां खत्म नंबर एक, नंबर दो सवाब मिलेगा, क्योंकि नियत ये होगी कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यह नुस्खा बतलाया। जब ये नियत होगी सवाब भी मिल जाएगा, शिफा भी मिल जाएगी मेरे भाई। और जिसका कलमा पड़ा उसकी बात को मान के देखो आज ये नुस्खा क्या है मेरे भाई। दोनों ही चीजों का जिक्र बुखारी के अंदर अलग अलग है, करवंची का अलग है, हदीस अलग है और शहद की हदीस अलग है। अब इसका इस्तेमाल का तरीके कर मैं आपको बता देता, आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। ये चीज एक दफा खत्म हो जाए फिर बना लो, बराबर एक दफा इतना बना। शायद ले लें, शायद कोशिश किया करें छोटी मक्खी का ले लिया करें, बड़ी का भी मिल जाए। शायद मक्खी के पेट के अंदर शिफा होती है, कुरान कहता है कि मक्खी का जो शहद है इसके अंदर शिफा, इसके पेट के अंदर शिफा है मक्खी के। जब इसका लफ इसके साथ शामिल होता है अल्लाह ताला इसके अंदर शिफा डाल देते हैं। शहद ले लेना कितना है 100 ग्राम, कलवंजी ले लें 50 ग्राम। अब कलवंजी को पीस लें, सफूफ बना लें, इतना बारीक सफूफ इसका बनाना है 50 ग्राम। इसको शहद के अंदर हल कर लें मेरे भाई, शहद के अंदर मिक्स कर लें मेरे भाई। मिक्स करके मेरे भाई एक चम्मच रोजाना इसका खाएं, किसी वक्त भी खाएं, सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम खाएं, खाने के बाद खाएं, खाने के पहले खाएं, किसी वक्त भी खाएं। एक चम्मच खाना शुरू कर दो रोजाना, फिर देखना आपके अंदर कुव्वत आएगी, नफ्स के अंदर शक्ति आएगी, मर्दाना कुव्वत बढ़ेगी, जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां, जो भी कोई कहता है मुझे फलां बीमारी, उस बीमारी के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल कर, जो भी कहता है इसके अंदर शिफा पैदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह का सलाम।